Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are all fine. Now I am your teacher, Ms. Sumaira. And now, dear student, this is your English grammar book. The book name is Grammar and Usage. Okay, dear student, teacher जो हैं वो आज आपको इस book में इससे पहले मैंने आपको definition करवाई थी noun की. ओके लेकिन अब मैं आपको फोर्थ वर्कशीट में जो नई डेफिनेशन करवाने जा रही हूँ वो है हमारी प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. सो ओपन द पेज नंबर 10. ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बुक में दे देती हूँ, बाकी का जो काम है आपका वो सारा वर्कशीट में है. आपको थोड़ा सा बुक से रेफरेंस उसके काम जो है शीट से पहले आप बुक में समझ लीजिए. ओके नाउ डियर स्टूडेंट ओपन द पेज नंबर 10. ओके डियर स्टूडेंट नाउ पेज नंबर 10 पर आप देखेंगे कि आपको एक फैमिली जो है वो शो हो रही है पिक्चर में, ठीक है ना. और यहाँ पर हेडिंग भी देखें आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी न्यू डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जो किसी शख्स, किसी यानी पर्सन का, एनिमल का, थिंग का, प्लेस का एक ख़ास नाम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यस, प्रॉपर नाउन. ओके और कॉमन नाउन हम किसे कहते हैं? कॉमन नाउन वो होता है, वो भी नाउन ही की डेफिनेशन में आता है, यानी किसी भी पर्सन का, एनिमल का, थिंग का, प्लेस का एक आम सा नाम होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन्स. अब आप देखें यहाँ पर आपकी पिक्चर में जो है ना, आपकी बुक में शो हो रहा है यहाँ पर एक फैमिली है, ठीक है ना. ये फैमिली किसकी है? पीटर्स फैमिली है ये, राइट. अब इसमें क्या है देखें, इसमें मैं आपको जो है ना डिफाइन कर रही हूँ. सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे एरो के साथ आपको शो हो रहा है द गर्ल नेम इज़ मैरी. अब मैरी जो है वो क्या है? मैरी जो है वो लड़की का नाम है. गर्ल, गर्ल जो है वो क्या है? एक कॉमन है ना, लड़कियाँ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैरी. यस, उसका नाम क्या है? मैरी. तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया, राइट. ओके अब आप देखिए सेकेंड इज मिस्टर ली. मिस्टर ली कौन है? मिस्टर ली एक पर्सन का नाम है, एक आदमी का नाम है, ठीक है ना. लेकिन नाम उनका क्या है? मिस्टर ली. तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया. उनका नाम जो है वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा. उसके बाद अब कौन है? पीटर. पीटर इज अ बॉय. बॉय लड़का, लड़का, लड़के तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना. लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम है पीटर. दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन. उसका एक नाम है प्रॉपर, पीटर. और फिर कौन है उनके साथ? पीटर के साथ उनकी अम्मी, मदर. उनका नाम क्या है? मिसेस ली. यस, अम्मी का नाम, मदर का नाम क्या है? मिसेस ली, राइट. फिर आपने देखा एक उनके ड्राइंग रूम में एक आपको पेंटिंग नज़र आ रही है. क्या नज़र आ रही है आपको? पेंटिंग नज़र आ रही है. ओके नाउ डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दी है, बाकी का काम जो है वो आपका वर्कशीट पे है. अब मैं आपको पूरी डेफिनेशन वर्कशीट के ज़रिए करवाती हूँ. उससे पहले लेकिन ये है कि जो हमारा वर्कशीट में जो काम होगा वो आप जब डेफिनेशन वगैरह करेंगे तो आप प्लीज़ काइंडली अपनी ब्लू कलर की पेंसिल से अंडरलाइन करके जो डेफिनेशन है उसकी जो हेडिंग है आप यूज़ कीजिएगा ब्लू कलर की पेंसिल. ओके नाउ ओके स्टूडेंट, अब हम आ रहे हैं अपनी वर्कशीट की तरफ. दिस इज़ योर इंग्लिश लैंग्वेज फोर्थ वर्कशीट, यानी फोर्थ असाइनमेंट आपका कह लीजिए. इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले जो आप टीचर ने आपको जो वर्क दिया है वो है माय पेट. ये ऐसे है, ठीक है ना. KG2 में भी आप लोगों को 3 to 4 लाइंस का टीचर जो है वो ऐसे लिखवाती थी. अब आप क्लास 1 में आ गए हैं तो आप 1 to 5 लाइंस सेंटेंसेस जो हैं वो माय पेट यानी मेरा पालतू जानवर पर आप मुझे बताएंगे कि क्या सेंटेंसेस हम लोग लिखेंगे. ओके ओके नाउ डियर स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव अ कैट. ये सबसे पहले आपने सेंटेंस क्या बनाया? आई हैव अ कैट. सेकेंड, इट्स नेम इज रिश, यानी मेरी एक बिल्ली है जिसका नाम क्या है? रिश है. और वो क्या पीती है? इट ड्रिंक्स मिल्क. वो दूध पीती है. वेरी गुड. नंबर 4, इट्स फर इज वाइट.
उसकी बॉडी पे जो फर है वो कैसे हैं, कौन से कलर के हैं, वाइट, वेरी गुड। और लास्ट सेंटेंस में हम लोग क्या कह रहे हैं, आई लव माय कैट जी, यानी जब हमारा कोई पैट होता है तो हमें उससे प्यार होता है ना, हम उससे प्यार करते हैं। तो आपने इसी तरीके से लास्ट सेंटेंस में जो है वो बताया कि आई लव माय कैट। ओके ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वर्कशीट में दे रही हूँ, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन समझा रही हूँ, ठीक है ना। चलें, प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी प्रॉपर नाउन जो है वो किसी खास जगह का, खास एनिमल का, थिंग का, पर्सन का नाम कहलाता है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल टीचर ने आपको दी हुई है, मिस्टर ली। अभी मैंने आपको बुक में जो पिक्चर्स थी उससे मैंने आपको बताया था ना, मिस्टर ली कौन है, टीचर के फादर हैं। फादर तो सबके होते हैं लेकिन टीचर के जो फादर हैं उनका नाम क्या है, मिस्टर ली, तो वो उनका एक प्रॉपर नेम हो गया। सेकेंड इज कराची। कराची इज़ द सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बहुत सारी सिटीज़ हैं लेकिन सबका नाम तो कराची नहीं है ना, कराची एक पर्टिकुलर एक सिटी है, ठीक है। ओके, द यहाँ पर नाम है रोवर। रोवर जो है वो पीटर का डॉग है। डॉग तो सब लोग अपने घर में तकरीबन मोस्टली लोगों को पैट एनिमल के तौर पे रखते हैं लेकिन जो पीटर का डॉग है उसका नाम क्या है, रोवर। एंड सोफ़ा, अब इसको हम किस में काउंट करेंगे, फर्नीचर। फर्नीचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेबल भी होता है, चेयर भी होती है, कबर्ड भी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक जो है स्पेसिफिक नेम जो है वो प्रॉपर नाम किसका दिया हुआ है, सोफ़ा। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉमन नाउन। कॉमन, कॉमन हम कहते हैं, ये तो बड़े कॉमन सी चीज़ है, कॉमन का मतलब होता है आम, आम सी, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉमन नाउन्स आर द जनरल नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स एंड प्लेसेस। यानी ये कॉमन नाउन जो है वो भी क्या होता है, लोगों का, जानवरों का, चीज़ों का और किसी जगह का आम से नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, अब किसका नाम आ रहा है, पीपल्स में किसका नाम है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, कॉमन है। अगर लेकिन किसी खास प्रिंसिपल का हम यहाँ पे नाम शो करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल एक कॉमन नाउन है। हर स्कूल में प्रिंसिपल होती हैं लेकिन उनके नाम तो अलग अलग होते हैं ना। इसी तरीके से एनिमल में क्या है, कैट, बिल्लियाँ तो हर जगह आप देखते हैं, ठीक है ना। कार इज़ द कॉमन नाउन एंड स्कूल। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ स्कूल के हवाले से, कि स्कूल जो है वो कॉमन नाउन है लेकिन स्कूल का नाम जो होता है वो क्या होता है, प्रॉपर। जैसे अब हमारे स्कूल का नाम क्या है, वॉट इज़ द नेम ऑफ आवर स्कूल, आवर स्कूल नेम इज ईडन पब्लिक हाई स्कूल। तो ईडन जो है वो हमारे स्कूल का नाम है तो वो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन स्कूल तो हमारी सिटी जो है कराची में बहुत सारे स्कूल हैं लेकिन हर स्कूल का एक अपना नाम होता है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वर्क। लेकिन अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो, कोई परेशानी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।